और उसके बाद खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला सेट हो चुका है। आपके साथ सीटों पर हुआ समझौता, कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है। इंडिया गठबंधन के दो अहम दल एक साथ, कांग्रेस का कहना है दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट, दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया, हरियाणा में 9 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, 1 पर आप। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस, 1 पर आप। गुजरात में 24 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला सेट, आपके साथ सीटों पर हुआ समझौता। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इस बात की जानकारी। इंडिया गठबंधन के दो अहम दल एक साथ आए। चंडीगढ़ में कांग्रेस की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं नई दिल्ली वेस्ट दिल्ली पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी चुनाव। नॉर्थ वेस्ट चांदनी चौक आई कांग्रेस के खाते में। नॉर्थ ईस्ट सीट पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, वहीं गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे, भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला सेट हो चुका है, अलग अलग राज्यों में फॉर्मूला सेट है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? प्रियंका, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो शेयरिंग सीट था वो आज फॉर्मूला पास हो गया है। लोग मीडिया से संबोधित करते हुए उन्होंने अपने हर क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं, जो सीटों का बंटवारे को लेकर कहा था वो साझा किया है। बता दें कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर पड़ेगी। वहीं हरियाणा की बात कर रहे हैं तो 9 सीटों पर कांग्रेस है और 1 पर आम आदमी पार्टी है। वहीं गुजरात की बात कर रहे हैं तो 24 और 2 का फार्मूला तय किया गया है। चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं तो चंडीगढ़ में जो कांग्रेस प्रत्याशी वो लड़ेंगे, गोवा में भी कांग्रेस लड़ेगी। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जो साझा है, जो साझेदारी थी वो आज सामने आई, जो दोनों का जो गठबंधन है मजबूत होता नजर आ रहा है। अब देखने ये हुआ कि आगे जो और राज्य बनते हैं, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार सभी दलों से बात कर रही है कि एक साथ चुनाव लड़े, क्योंकि 2024 का जो मोदी रथ है उसको कैसे रोका जाए, यानी कि मोदी जी को हराना है और देश को बचाना है, ये नारा लगातार कांग्रेस की तरफ से हो या आम आदमी पार्टी की तरफ से हो ये कहा जाता है। तो देखिए, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस नेता और आम आदमी पार्टी नेताओं ने साझा किया है, कहीं ना कहीं जो शेयरिंग सीट है वो बराबर की स्थिति आई है। और दिल्ली के अंदर जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस कोई सीट नहीं दी आम आदमी पार्टी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के साथ 7 सीटें बीजेपी की थी, लेकिन इस बार जो फार्मूला जहां जहां दबदबा है जिसका है उसके हिसाब से सीट बांटी गई है। तो वही बात करें, लगातार कहने का आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक मंच पर है, सॉरी कांग्रेस मंच पर है, इसको साझा किया जा रहा है इसमें। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अलग अलग राज्यों में फॉर्मूला सेट हुआ है, लेकिन पंजाब की बात करें तो पंजाब में दोनों पार्टियां साथ नहीं आ पा रही हैं। जानकारी है कि 13 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया है, इस वजह से अकेले अकेले चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। देखिए, अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में पहले भी ये चर्चा सामने आई थी कि आम आदमी पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के साथ कोई साझा नहीं करेगी, लेकिन लगातार वही, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार है, कांग्रेस के
वहाँ पर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी साफ कह दी है कि हम आप पूरा चुनाव लड़ेंगे। अगर शहरी मोदी को अभी चर्चा इस पर चल रही है, हो सकता है दोनों साझा करें, क्योंकि बीजेपी लगातार वहाँ बढ़त बनाए। जी बिल्कुल अजय, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ पंकज जवाना प्रदेश अध्यक्ष यूथ विंग आम आदमी पार्टी से भी जुड़ चुके हैं। जी पंकज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई हो कि कांग्रेस के साथ में आपका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनली सेट हो गया। देखिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, और ये बधाई पूरे देश के लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आज जो गठबंधन हुआ है वो इस तानाशाह सरकार को रोकने के लिए आज पूरे इंडिया अलायंस एक साथ आया है, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। जो आज मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, लगातार विपक्ष को खत्म करने का काम कर रही है, जो कि आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, कभी ईडी कभी सीबीआई से पूरे विपक्ष को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी इन्होंने खत्म कर दी, संविधान को बार बार ये लोग मारने का काम कर रहे हैं। उसी को लेकर सभी विपक्षी दल से मेरी ये उम्मीद भी है, और मुझे लगता है कि सभी विपक्षी दल एक साथ होकर लड़ेंगे तो इस तानाशाह सरकार का खात्मा जरूर होगा। और अरविंद केजरीवाल जी आज पूरे देश की एक मुख्य आवाज है, सबको पता है अरविंद केजरीवाल जी का जो ग्राफ इतनी तेजी से पूरे देश के अंदर बढ़ा, मात्र 10 साल में राष्ट्र पार्टी बनने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस बार कुछ बड़ा करके दिखाएगी, कुछ अच्छा बदलाव होगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। जी बिल्कुल, हौसले आपके बुलंद हैं। दिल्ली में तो फॉर्मूला सेट हो गया, कई अन्य राज्यों में भी आपको मौका मिला है, लेकिन पंजाब में क्या दिक्कत हो गई, क्या कमी रह गई जो आपका फॉर्मूला कांग्रेस के साथ सेट नहीं हो पा रहा? देखिए मैम, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगी, दोनों पार्टियों ने बैठ के उस पर भी अपनी सहमति जताई, कुछ ना कुछ सोच समझ कर उस पर आगे बढ़ेंगे, और जो कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के जनता के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। ये कोई एक पार्टी का गठबंधन नहीं है, ना ये स्वार्थ के लिए है कि हमें फायदा हो जाए, आम आदमी को फायदा हो जाए, कांग्रेस को हो जाए, किसी और विपक्षी दल को हो जाए, सिर्फ फायदा देश को कैसे हो, इस चीज को सोच के गठबंधन किया गया, और मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं तो ये फॉर्मूला क्या पंजाब में नहीं चल पा रहा पंकज जी, क्या दिक्कत है, या पंजाब के स्थानीय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में समन्वय नहीं बन पा रहा? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि वहां भी कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा, देश के हित के बारे में सोच के इन लोगों ने फैसला लिया है कि अलग लड़ना है, एक साथ लड़ना है, उस पर बहुत जल्दी हमारे नेता उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे भाई किस वजह से हम वहाँ पे एक साथ नहीं आ पाए, या किस वजह से हम एक साथ आएंगे, तो बहुत जल्दी बताई जाएगी वो बातें। पर जहाँ गठबंधन दिल्ली के अंदर हुआ है, दिल्ली में आप देखिएगा 7 सीटों में 7 की 7 इस बार गठबंधन जीत के आएगा, और इंडिया अलायंस इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। चलिए ठीक है, दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में आपके हौसले बुलंद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है फिलहाल सीटें, कितनी मेहनत करनी होगी? बिल्कुल, अब आप देखिए ना, पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने लगभग बीजेपी को दिल्ली के अंदर खत्म करने का काम किया। 2013 का चुनाव उठाइए, हमारी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से हुई। 2015 में हमने उसको 3 सीटें देकर स्कूटर पार्टी बनाने का काम किया। 2020 में मात्र 8 सीटों पे वो लोग सिमट गए, एमसीडी के चुनाव में उनका सुगड़ा साफ हुआ, और इस बार 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी देखिएगा, इस बार जो मोदी लहर लहर ये लोग करते हैं, ये पूरी तरह से खत्म हो रही है लहर। अब आप देखिए, इन्होंने अपने एक्स गवर्नर के ऊपर ईडी सीबीआई भेजी, सतपाल मलिक जी के ऊपर इन्होंने अपनी जांच बिठा दी, अब इनको ये लगता है कि जो भी नेता उभरे, जो आपके खिलाफ मजबूती से बोले, उसको खत्म कर दो, ईडी सीबीआई से भेज के उसको खत्म कर दो, आप लोग उसको जेल में डाल दो। आम आदमी पार्टी के नेता जेल के अंदर है, बताइए आप, हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, राज्यसभा के सांसद, जो देश की सबसे बुलंद आवाज है, जो जेल के अंदर है, उनके ऊपर 1.5 साल में ये लोग कोई सबूत कोई एविडेंस नहीं दे पाए, सिर्फ शराब घोटाला। रहे भाई, शराब घोटाला है तो कोई एविडेंस आप लोग दो ना कि ये घोटाला इन लोगों ने किया है। कोई कहता है 150 करोड़ का किया है, कोई कहता है 1000 करोड़ का घोटाला किया है, इनको ये नहीं पता कि घोटाला है या आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है, ये पूरे देश को पता है। पंकज जी, इसके अलावा जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी जी के द्वारा कहा जा रहा था कि यदि गठबंधन होगा तो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसे में अब गठबंधन का ऐलान तो कर दिया गया है, क्या लग रहा है आपको, क्या गिरफ्तारी से डर नहीं रहा? मैं अभी आपको बता रहा था कि पिछले 2 से 2.5 महीने में 7 बार सम्मन भेजे गए अरविंद केजरीवाल जी के पास ईडी के द्वारा कि आइए जांच करिए, कोर्ट से उनको रिलीफ मिला है, और अब इन्होंने सीबीआई उनके पीछे लगा दी, इनको डर है, इनको इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को और पार्टी को डराना चाहते हैं कि कहीं कांग्रेस के साथ अलायंस में ना चले जाएं, लेकिन अब अलायंस हो गया, अब आप देखिएगा जो हमें उम्मीद है बहुत जल्दी मंडे ट्यूसडे तक ये अरविंद केजरीवाल जी को भी अरेस्ट करेंगे, पार्टी का भी दावा है, और हमारे गुप्त सूत्रों से ये हमें खबर है कि बहुत जल्दी इनकी पूरी प्लानिंग है कि बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी का, जो देश के बड़े उभरते हुए नेता है, उनको खत्म कर लीजिए, क्योंकि वही आज मोदी के खिलाफ लड़ने में सक्षम है और वो मजबूती से अपनी बात रखते हैं, लेकिन ये बार बार भूल जाते हैं कि वो एक आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, वो स्वार्थी नहीं है, वो जनता के लिए लड़ते हैं। आप जेल में डालिए,
अब एक साल से अच्छा एनडीए तो 400 पार का नारा दे रही है, 370 की बात कह रही है आप, क्योंकि आपका गठबंधन कई राज्यों में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी ऐलान आ चुका है, हालांकि पश्चिम बंगाल पंजाब अभी रह जाता है, लेकिन कितनी सीटों का टारगेट है, क्या टारगेट लेकर आप लोग चल रहे हैं? ये मैम देखिएगा, ये 400 पार के जो ये लोग एनडीए वाले नारे दे रहे हैं ना, ये बौखलाए हुए हैं। जैसे इन्होंने अपने एक्स गवर्नर पे रेड डाली, क्यों डाली? क्योंकि इनको पता है कि हम लोग कमजोर हैं, इंडिया एयरलाइंस बहुत मजबूत हो रहा है। इन्होंने नीतीश जी को तोड़ा, ईडी सीबीआई, कितने का टारगेट है फिर आपका, आप क्या कहेंगे? मैम हम पूर्ण बहुमत से इंडिया एयरलाइंस की सरकार बनने जा रही है, आप देखिएगा। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, जो जनता का उत्साह मुझे देखने को मिल रहा है, जनता के बीच में हम लोग रहते हैं तो जनता कहती है कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मुद्दे पे कोई काम बात नहीं करता। कभी राम मंदिर पे पहुंच जाते हैं, कभी ये मस्जिद पे पहुंच जाते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि इनको आपस में बांटकर राजनीति करो, देश अशिक्षित रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी का नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबको एक साथ लेके चलेंगे, और वो दिन दूर नहीं जब इंडिया देश का नंबर वन देश होगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी का जिस तरह से 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान सामने आया, उसके बाद भी कांग्रेस का कहना है कि दरवाजा खुला है, तो क्या आप आखिरी समय तक कोशिशें करते रहेंगे? देखिए मैम, अभी कोशिशें जारी हैं और बहुत जल्दी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ी सी आपस में भी चुनाव की सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन अब आप देखिए पिछले दो दिन में बहुत किसी हद तक इंडिया एयरलाइंस की आपस में सहमता बनी है, जिसमें दिल्ली में बनी और राज्यों में भी बात चल रही है। बहुत जल्दी 2-4-5 दिन में मुझे लगता है कि सभी सीटों पर निर्णायक फैसले लिए जाएंगे। और ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बातचीत करने के लिए इंडिया वॉइस से बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अजय भी हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़े हुए थे। अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है, सपा ने सभी विधायकों को बुलाया, आज सभी विधायकों को किया गया तलब। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए विधायकों की बैठक, पार्टी की तरफ से विधायकों की रुकने की भी की गई व्यवस्था। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को लखनऊ तलब किया है, आज सभी विधायक लखनऊ पहुंच रहे हैं, पार्टी की तरफ से विधायकों की रुकने की भी व्यवस्था की गई है। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए विधायकों की बैठक, सपा ने सभी विधायकों को लखनऊ किया तलब। पार्टी की तरफ से विधायकों के रुकने की व्यवस्था। तो पार्टी की तरफ से विधायकों के रुकने की गई व्यवस्था। समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की इस समय और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों को लखनऊ तलब किया गया है राज्यसभा चुनावों को देखते हुए, क्या कुछ जानकारी है, क्या विधायक पहुंच चुके हैं और रुकने की व्यवस्था जो की गई है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी अनिल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों को लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तलब किया गया है, विधायकों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके अलावा पार्टी की तरफ से विधायकों के रुकने की भी व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि राज्यसभा के चुनाव लखनऊ में जल्द ही होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ से 10 राज्यसभा के सांसदों के चुनाव को लेकर 8 उम्मीदवार एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और 3 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन उनका किया गया है। अब देखना यह होगा कि गणित के हिसाब से, समीकरण के हिसाब से क्या कुछ नतीजा निकलता है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लखनऊ विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी है, कहां रुकेंगे विधायक और इसके अलावा क्या बैठक को लेकर क्या जानकारी है? देखिए प्रियंका जी, समाजवादी पार्टी में विधायकों का आना शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने खुद बागडोर संभाली है अपने 108 विधायकों को लखनऊ लाने की, वो भी 3 दिन पहले। यहाँ पर वोटिंग होनी है 27 तारीख को, लेकिन हर हाल में समाजवादी पार्टी को 24 तारीख को लखनऊ समाजवादी कार्यालय में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। विधायक आना शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव की
अपनी जो रणनीति है वो ये है कि किसी भी दफा में 111 विधायकों का लक्ष्य हासिल किया जाए और अपने तीसरे कैंडिडेट को राज्यसभा भेजने में सफलता हासिल की जाए। जी बिल्कुल, तो 108 विधायकों का गणित तो पूरा है लेकिन 111 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी की कोशिशें लगातार जारी हैं, कहां कहां कोशिश की जा सकती है? देखिए प्रियंका जी, 108 का भी गणित नहीं पूरा है। समाजवादी पार्टी का जो अभी फुल प्रूफ जो तैयारी है, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तब भी इनका गणित केवल 106 का है। इनके दो विधायक जेल में है, एक रमाकांत यादव, दूसरे इरफान सोलंकी। संज्ञान में है कि इरफान सोलंकी की जो अदालत ने अर्जी जो है वो खारिज कर दी है, फिलहाल अभी वो वोट डाल पाएंगे या नहीं इसमें अभी कानून का पेच फंसा हुआ है। इसके बावजूद जो है समाजवादी पार्टी को जो विधायकों की जरूरत है, अगर मान लीजिए दो विधायक वोट नहीं डाल पाते हैं तो 5 विधायक की जरूरत है। अब ये जोर तोड़ का जो फार्मूला है राज्यसभा में वही भाजपा भी आजमा रही है और समाजवादी पार्टी को भी यही फार्मूला आजमाना पड़ेगा। अपने विधायकों को जोड़ के रखो, दूसरे दलों में तोड़ फोड़ करो, इस फार्मूले से राज्यसभा की सीट को जीतने की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल अनिल, तो जिस तरह से यहाँ पर आपने जानकारी दी है कि अर्जी खारिज हो चुकी है और यदि जेल से वोट नहीं डाल पाएंगे समाजवादी पार्टी के विधायक, और इसके अलावा बातचीत लगातार की जा रही थी, ऐसे में तीसरे कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी के हैं राज्यसभा नॉमिनेशन के लिए, उनकी जगह खतरे में नजर आ रही है। हाँ बेफिक्र प्रियंका, अगर ये आंकड़ा 111 नहीं पूरा होता है तो ये एक गंभीर संकट है समाजवादी पार्टी के लिए कि तीसरा सदस्य उनका कैंडिडेट उनका कैसे राज्यसभा जाएगा। वही भाजपा के सामने भी कम चुनौती नहीं है क्योंकि भाजपा को जरूरत जो है वो करीब 11-12 विधायकों की है। अब वो आंकड़ा भाजपा कैसे पूरा करती है ये भी भाजपा के सामने भी चुनौती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने 99 का चक्कर है। हर हाल में 1-2 विधायक कम पड़ जा रहे हैं। अगर जनसत्ता दल राजा भैया का दल भी इनको समर्थन कर देता है, कांग्रेस मान लीजिए 2 विधायक है उसके, ये लेने के बाद भी 1 विधायक कम पड़ जा रहा है समाजवादी पार्टी के पास। अब 1 विधायक बिना तोड़ फोड़ किए नहीं आ सकता है। अब समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का मानना है कि वो राजभर की पार्टी में उनके विधायक हैं, हम वहां पर अपना सेट कर लेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ऐसा होते हैं विधायक किसी न किसी को दल वाले नामित करते हैं, वोट देखा जा सकता है, इसलिए ये चुनाव जो है बड़ा चुनौतीपूर्ण है। जी बिल्कुल, टक्कर दिलचस्प होने वाली है। अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।